और इस वक्त की अफगानिस्तान की सबसे बड़ी खबर, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रेस्क्यू करने पहुंचे यूक्रेन के एक विमान को हाईजैक कर लिया गया है। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एवगेनी एलिन ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि यह जहाज यूक्रेन के लोगों को निकालने के लिए काबुल गया था। अपहरणकर्ता इसे हाईजैक कर ईरान ले गए हैं। हालांकि ईरान के मंत्री अब्बास असलानी ने कहा है कि ये विमान नॉर्थ ईस्ट ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर आया था, लेकिन ये रिफ्यूलिंग के बाद यूक्रेन लौट गया। वहीं यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एवगेनी एनिन ने इस मामले में कहा है कि यह विमान हाईजैक कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे अगले 3 एयरलिफ्ट भी सफल नहीं थे क्योंकि हमारे लोग हवाई अड्डे पे नहीं पहुंच सके। बता दें कि रविवार को 31 यूक्रेनियन सहित 83 लोगों के साथ यह सैन्य परिवहन विमान अफगानिस्तान से कीव पहुंचा था। 12 यूक्रेनी सैन्य कर्मी स्वदेश लौट आए हैं। लगभग 100 यूक्रेनियन अभी भी अफगानिस्तान में एयरलिफ्ट की उम्मीद कर रहे हैं। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि अपहरणकर्ता हथियारों से लैस थे। हालांकि उप मंत्री ने इस बारे में कुछ भी बताया नहीं है कि विमान का क्या हुआ। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि क्या कीव इसे वापस लेने की कोशिश करेगा या यूक्रेनी नागरिक काबुल से कैसे वापस आएंगे।